कैसे हो? आई हो कि सब बढ़िया होगा, ठीक हो। तो फाइनली गाइस बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की बात करने वाले हैं। देखो भाई, मैंने यहाँ पे दो दिन पहले एक यहाँ पे अपडेट दिया था कि जो मैदान मूवी है उसका ट्रेलर की अनाउंसमेंट 7 to 8 अगस्त के बीच में हो सकती है। कहाँ पे हो सकती है वगैरह, जो भी है इसमें ट्रेलर की अनाउंसमेंट नहीं, ट्रेलर भी आ भी सकता है उस दिन, एंड साथ में मूवी की अनाउंसमेंट हो सकती है। ये किस दिन आएगी, क्या 23 को आएगी या फिर हमें 24 को इसका वेट है गाइस, करना पड़ सकता है, बॉडी को अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मैंने फुल डिटेल्स के साथ वो वाला एपिसोड में समझाया था कैसे होगी, कहाँ पे होगी। वो वाला एपिसोड उन्होंने नहीं देखा है तो यस गाइस वो देख सकते हो, एंड 7 to 8 अगस्त बीच वैसे भी हमें पता चल जाएगा, तो आप वेट भी कर सकते हो। तो फाइनली गाइस ये रही मैदान की अपडेट। अब बात करते हैं गाइस उनकी ब्लैक मैजिक। मैंने बोला था कि ब्लैक मैजिक के रिलेटेड एक अपडेट आया। देखो भाई, मैंने यहाँ पे एक से लेकर 2 हफ्ते के पहले एक अपडेट दिया था कि उसका गाइस शूट है वो यहाँ पे लंदन के बीच में चल रहा है, काफ़ी सारे विजुअल्स है उस टाइम के निकल के सामने भी आए थे, एंड सुनने में आया था कि वो 12 से लेकर 15 दिन के बीच में शूट है गाइस वो चलेगा। बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो शूट है गाइस टोटल 1 मंथ के लिए था। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 मंथ उसका टोटल शूट था ब्लैक मैजिक का, जिसमें से अजय का भी था, अजय देवगन का, एंड आर माधवन जी का भी था, एंड साथ में इसमें योतिका जी का भी था। भाई इस मूवी की डायरेक्शन विकास वल कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, उसको कई सारे एपिसोड में बता चुका हूँ, जिन्होंने यहाँ पे सुपर 30 क्वीन जैसी मूवी को ऑलरेडी डायरेक्शन वो चुके हैं, जो कि अभी उनके नेक्स्ट मूवी आ रही है यहां पे टाइगर श्रॉफ की गणपत पार्ट 1, जो कि इसी साल लास्ट में आएगी वो, एंड भाई वो इस मूवी के डायरेक्शन कर रहे हैं। भाई मैंने बताया 1 मंथ का इसका टोटल शूट था गाइस, वो अभी फिलहाल के लिए लंदन वाला वो कंप्लीट है गाइस, वो हो चुका है, एंड उस शूट के बीच में फोटोज है गाइस वो यहाँ पे अजय देवगन ने अपने फैंस के साथ भी लिए थे, एंड कुछ तो शूट के टाइम पे गाइस वो लीक भी हुए थे। वैसे वो मैं सभी को दिखाऊंगा नहीं, आपको पता है भी चक्कर बन जाता है उसका, तो ये कुछ फैंस के साथ थे, ये मैंने पहले भी सभी को बताया था, आर मधुबन हो गए एंड अजय देवगन भी हो गए साथ साथ में थे, विकास बल भी, उन्होंने काफ़ी सारे शूट है गाइस वो एक साथ किया है, मतलब एक साथ फोटो शूट किया है। एंड उसके साथ गाइस जो लीक्ड हुए हैं उसमें अजय देवगन ने गाइस उन्होंने ब्लैक यहाँ पे ग्लासेस पहने हैं, एंड यहाँ पे उन्होंने जैकेट भी पहनी है वो भी ब्लैक, एंड काफ़ी मतलब फैंटेस्टिक लुक में दिख रहे थे वो। जैसे हमने उनको एक शूट फोटो देखा था, उन्होंने अजय देवगन ने अपने यहाँ पे इंस्टाग्राम पर भी डाला था, वो वाला सेम लुक थी उनकी एक मूवी के अंदर। योतिका की बात करूँ, उन्होंने थोड़ा रेड टाइप का कुछ पहना था, एंड बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी सुनने में आ रहा है कि मूवी काफ़ी ज़्यादा सुपर रहने वाली है, जैसे दृश्यम 2 के अंदर जो बिल्कुल सेम शूट है गाइस, मिलते जुलते रहने वाला है दोनों के बीच में। भाई गाइस अब ये शूट कंप्लीट हो चुका है और वापस आने वाले जो अजय देवगन वापस आए थे उनकी ये फोटो है, यानी कि वो इंडिया में आ चुके हैं। एंड बाकी गाइस इस मूवी की रिलीज की बात करूँ गाइस, तो फिलहाल के लिए मेकर्स ने कोई नहीं बताई ये कब आएगी कब नहीं आएगी। फिलहाल के लिए गाइस अभी इसका काफ़ी अभी काम है गाइस वो बचा, अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम आगे शुरू होगा, एंड 2024 को ही आएगी ये मूवी। फिलहाल के लिए अभी इस साल में मैदान आ सकती है, एंड मैदान के साथ गाइस जो भी यहाँ पे नीरज पांडे यानी ओरो में कहाँ दम था गाइस, वो भी मूवी इस साल आ सकती है, उसका शूट है गाइस वो कंप्लीट है, वो हो चुका है सुनने में आ रहा है। अभी ये यहाँ पे अजय देवगन हो गए या फिर यहाँ पे नीरज पांडे, उन्होंने यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, इसका शूट है गाइस वो रैप अप है वो हो चुका है। तो फिलहाल गाइस यही है, एंड अजय देवगन काफी ज्यादा जो फैंस हैं उनके वेट कर रहे हैं बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए, क्योंकि 31 मार्च के बाद उनकी बोला आई थी, बोला आने के बाद अभी कोई पता नहीं इस साल उनकी कोई मूवी आएगी या फिर नहीं आएगी। देखो अजय देवगन भी उनकी साल में 2-3 मूवीज आती हैं, बट दिस ईयर होगा कि उनकी कोई मूवी जस्ट एक ही आई है बोला। वेट है गाइस, पब्लिक वेट कर रही है भाई अजय देवगन कब वापस आएंगे एंड यहाँ पे कोई ब्लॉकबस्टर मूवी देंगे दृश्यम 2 आने के, दृश्यम 2 ब्लॉकबस्टर हुई थी उसके बाद वेट कर रहे हैं, क्योंकि बोला तो कुछ अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस में धमाका है वो नहीं कर पाई थी। फिलहाल गाइस यही थी अपडेट, एंड बाकी जो अब तक चैनल सब्सक्राइब क्या करो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब गाइस। देखो सिंगम का भी काम अभी नहीं स्टार्ट हो गया, उसका अभी सितंबर के मंथ में उसकी शूट है गाइस वो स्टार्ट होगा, एंड वो अगस्त नेक्स्ट ईयर अगस्त में आएगी मूवी सिनेमाघरों में। तो गाइस यही है, बाकी हर एक मूवी की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट एंड इंडियन सिनेमा रिपोर्ट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। जिन्होंने जस्ट अभी चैनल सब्सक्राइब क्या करो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। आगे मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड, जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।